मॉडर्न क्वार्टर चलोगे? पहले गागो साहब, मॉडर्न क्वार्टर क्या, चांद पे भी चलूंगा, बैठे बिस्मिल्ला। यार वैसे मॉडर्न क्वार्टर है बहुत दूर। आप मेरा इंजन कमजोर हुआ है, अक्षय का नहीं। बैठो बैठो, चलो। एक भी गैस पे, दूसरा भी गैस पे। हाँ कितने हुए? 500 रुपए। किस बात के भाई? जितनी मजदूरी बनती है बीबी उतनी ही मांग रहा हूँ। इतने ज्यादा मांगने थे तो पहले बता देते आप मुझे। आपने कहा कि जल्दी जाना है, पैसों की बात नहीं की, मैंने आपको जल्दी पहुँचा दिया बस। अब और ज्यादती कर रहे हैं आप। और ये सिलेंडर इसलिए रखा है ना ताकि जो किराया मांगे चुप करके आपको हमदर्दी में दे दे। ये ले। ओ बीबी इधर आओ। ये सिलेंडर हमदर्दी हासिल करने के लिए नहीं, मजबूरी की वजह से लगाया हुआ है, मजबूरी की वजह से। अगर मैं अपने दुख और दिल चीर कर दिखाऊं ना तो रूह कांप जाएगी लोगों की। मलमल के पर्दे को अगर कांटों भरी शाख पर डालकर खींचोगे ना तो ऐसे मेरी सांस आती और जाती है, हकारत से भीग दी जाती है, भीख मजदूरी नहीं। अजीब ही पागल इंसान है। और ये सिलेंडर इसलिए रखा है ना ताकि जो किराया मांगे चुप करके आपको हमदर्दी में दे दे। ओ भाई फुल करना है। 1000 रुपये होंगे। मेरे पास 800 रुपये हैं। तो 800 का भरवा लो। ओ भाई जिंदगी गुजारने के लिए भी गैस चाहिए, 400 की भर दे। दवाइयाँ लिया है? आज फिर खुराक और दवाओं में मुकदमा चलता रहा और बिलाखिर खुराक जीत गई। ये लो। ये क्या तरीका है अबू? आपको ठीक होना है कि नहीं? ये हर जगह ये सिलेंडर लेके घूमना है। सुबह भी मैंने कितनी ताकीद करी थी लेकिन आपने मेरी एक भी सुनी। आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं? मजाक नहीं लग रही, तुम्हें देख कर ना तुम्हारी माँ की याद आ जाती। तुम्हें पता है वो भी मुझसे इसी तरह झगड़ती थी, सिगरेट मत पिया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। और देखो मुझसे पहले ही चली गई और अपना अक्स छोड़ गई। अब माँ कहेगी वो कहाँ है। अब्बू माँ ही बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? और अगर आपको कुछ हो गया हम दोनों अकेले क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने हमारे बारे में?
अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? और अगर आपको कुछ हो गया हम दोनों अकेले क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने हमारे बारे में? कहाँ गायब हो जावेद भाई? काफी दिनों से अड्डे पे भी नहीं आए। हाँ यार, वहां पे रश होता है, धुआं होता है ना, तो मेरी तबीयत खराब होती है, इसलिए अब मैं यही खड़ा रहता हूँ, यही धंधा होता है। लगता है इस सिलेंडर से तुम्हारी जान नहीं छूटी। इलाज हो तो जान छूटे, दवा हो तो इलाज हो ना। सही बात की जावेद भाई, अपनी जिंदगी तो इसी कशमाकश में निकल रही है। क्या खाएं, क्या छोड़ें? नहीं यार, जिंदगी तो सही चल रही थी। पहले घरवाली की तबीयत खराब हो गई, उसके इलाज में पैसे लग गए, उसके बाद अपनी तबीयत खराब हो गई। अब मैंने सोचा था बच्चियों की शादी कर दूंगा, सब कुछ सुकून में आ जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे लगता है अभी आजमाइश और बाकी है। अपनी जिंदगी में आजमाइशों के सिवा रखा ही क्या जावेद भाई? एक औरत को ऑफिस छोड़ता हूं, बाहर निकलते हुए रोज वो कोई ना कोई खाने की चीज फेंकती है। मैं सोचता हूं ये अमीर लोग कितना खाना कचरे के डिब्बों में फेंक देते हैं, इससे कितने गरीबों के पेट भरे जा सकते। क्या हो गया भाई? अगर वो खाना फेंकती है ना, तो वो कीड़े मकोड़ों की खुराक होती है, वो भी तो खुदा की मखलूक है, खुदा ने उनको भी तो रिस्क देना है। हमारे हिस्से का जो है वो तो हमें मिल ही जाता है। भाई क्या मिलता है हमें जावेद भाई? अगर गौर करना मेरे भाई, तो ऊपर वाला सब कुछ देता है, सब कुछ। अब देख, हम गरीब हैं, हमारी शादियां भी हो जाती हैं, हमारे बच्चे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, उनकी भी शादियां हो जाती हैं, और हम अपनी बच्चियों को खाली हाथ रुख्सत भी नहीं करते, सब कुछ देने की कोशिश करते। हम जीते भी उतना ही है जितना कोई अमीर आदमी जीता है, तो बुनियादी जरूरतें हमारी भी पूरी हो जाती हैं, चाहे मुश्किल से ही हो। हैं? ठीक है जावेद भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात हो। ठीक, धंधा सही चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई। और बच्चे ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। Yeah.